हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में मुमताज स्टाइल साड़ी ड्रैपिंग शेयर करने जा रही हूं। तो मैं वो बताऊंगी कि आपको कि साड़ी जो मुमताज स्टाइल है आप कैसे इजी वे में ड्रैप कर सकते हैं, और इसी के साथ में मैं मुमताज स्टाइल में आपको मेकअप भी बताऊंगी कि आप 5 मिनट में कैसे इसके साथ में रेडी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं कि साड़ी कैसे ड्रैप करते हैं। सबसे पहले मैं वो आपको बताती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जाके ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चीज़ पे देखना चाहते हैं, कैसा मेकअप, कैसी साड़ी ड्रेपिंग या कैसा आप ड्रेसअप लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसी से रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में अपना आज का वीडियो। सबसे पहले मुमताज स्टाइल ड्रैपिंग साड़ी के लिए आपको इस तरीके का ए शेप का पेटीकोट पहनना पड़ेगा, और ये काफ़ी देखिए फ्लेक्सिबल रहेगा, चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से इसका घेर आता है, बहुत ज़्यादा घेर वाला पेटीकोट नहीं चाहिए इसके लिए। अब साड़ी कैसे पहनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से पैरों को थोड़ा सा फैला करके रखना है जिससे कि हमें मतलब भर का घेर मिल जाए और चलने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में आपको सिर्फ दो प्लेट्स देनी है जिससे कि थोड़ा सा घेर मिल जाए हल्का सा। अब यहाँ से हमें साड़ी को हाफ कर लेना है। एक राउंड नी से थोड़ा सा नीचे से लेना है और इसको हाफ करते जाना है। दोनों बॉर्डर को एक साथ में मिलाते हुए ये इसका पल्लू तैयार करना है। लीजिए, मुमताज स्टाइल साड़ी हमारी तैयार हो गई है। देखिए कितने अच्छे से ड्रैप हुई है साड़ी ये, और चलने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से आप चल सकते हैं, घूम सकते हैं, जैसे भी आप चाहें इसको पहन करके डांस कर सकते हैं, चल सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप कैसे लेना है आपको मुमताज स्टाइल। तो सबसे पहले मैं हिमालय का यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से फेस पे मसाज कर लेनी है। आप मॉइस्चराइजर की जगह पे प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली अगर आपके पास में नहीं है तो मॉइस्चराइजर सभी के पास में होता है, इसलिए मैं इजी वे में आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसी से ही आपको मेकअप ले लेना है। और यहाँ पे मेबेलिन का फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे मेबेलिन का ही फेस पाउडर यूज कर रही हूँ।
अब मैं यहाँ पे आई शेडो यूज कर रही हूँ। आई शेडो में पहले मैं न्यूट कलर यूज कर रही हूँ और उसके बाद में ऑरेंज कलर से यहाँ पे थोड़ा ग्लिटरी कलर में यूज करूंगी। अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लैक्मे का काजल और मेबेलिन का यहाँ पे मस्कारा यूज कर रही हूँ और काजल से ही मैं यहाँ पे विंग्स बनाऊंगी और आईलाइनर भी यहाँ पे मैं काजल से ही लगाऊंगी। मेकअप मैंने दे दिया है अपने क्लाइंट को, अब यहाँ पे हेयर स्टाइल करूंगी जिससे लुक आप देखेंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एकदम मुमताज लुक लगेगा। बहुत ही इजी है इसको करना, इस हेयर स्टाइल को देखिए 3 पार्ट में हम अपने बालों को डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। हमें पहले इसका पफ बना लेना है, जो बीच के पार्ट में हमने बालों को डिवाइड किया था उससे हमें पफ तैयार करना है साइड के बाल छोड़ते हुए।
तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारी मुमताज तैयार हो गई है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।